बराबर का कंपटीशन है भाई, बराबर का कंपटीशन है। नहीं भाई, रोलिंग में तो यही आगे है। Alright YouTube family, my name is Mohit and welcome back to my YouTube channel Auto Mod. और गाइज आज की जो रेस जो होने वाली है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा अटपटी सी रहने वाली है। मैं आपको बताता हूँ भाई क्या है कि जो पुराने समय में जो RX 135 या RX 100 आती थी, तो आज हम कंपेरिजन करने वाले हैं RX 135 का किसके साथ में करने वाले हैं, ओला S1 Pro, जो नया वाला मॉडल जो आया है इनका, जिन्होंने मोनो शॉक हटा के उन्होंने कन्वेंशनल शॉक डाल दिए हैं, उसका आज कंपेरिजन करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको दोनों बाइकें और स्कूटर दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में बात करते हैं। और जो पावर फिगर है ना यार, मेरे को वो पता नहीं है ओला S1 के, तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। और बाकी मैं आपको RX 135 के पावर की बात करूँ तो उसमें 14 BHP के आसपास मिलती है। तो आज देखने वाले हैं कि भाई कौन सी जीतने वाली है। और ऑल देखो, ओला के अंदर क्या है कि हमको तीन मोड देखने के लिए मिलते हैं, स्पोर्ट्स मोड, हाइपर मोड और एक इको मोड मिलता है। और तीनों मोड में हम टेस्ट करेंगे इसको कि भाई कौन से मोड में जीतने वाली है और कौन से मोड में लूजर रहने वाली है। तो अभी क्या करते हैं, पहले मैं आपको दोनों बाइक दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो दोनों सामने खड़ी हुई हैं, और एक RX 135 बताई मैंने आपको, और ओला S1 Pro। और ओला S1 Pro क्या है, नई वाली, आप देख सकते हो यहाँ पे ड्यूअल शॉकर आपको दिख रहे होंगे। पहले क्या आता था, मोनो शॉक आता था इसके अंदर। और आपको मैं साइड से दिखा दूँ एक बार इसकी, तो ऐसे ही कुछ रहने वाली है ये। उन्होंने जो ग्रैब हैंडल जो है ना, ये वाला शायद ये भी चेंज कर दिया है। और बाकी आप देख सकते हो स्विंग आर्म लगा दिया है प्रॉपर। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप देख सकते हो। और इसका तो आपको पता ही है यार, जो मेरे को रेगुलर फॉलो करते होंगे उनको पता होगा भाई, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हुई हैं। और मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, इसमें 14 BHP के आसपास मिलती है, 2-स्ट्रोक इंजन आता है पुराने समय में। और ये RX 100 नहीं है, देखो फिर बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ RX 100 लिखा है, RX 100 नहीं है, RX 135 है। यहाँ देख सकते हो आप 132 cm³ लिखा हुआ है, मतलब जो कंपनी जो बुलाती है ना इसको, वो RX 135 के नाम से बुलाती है। तो अब बिना देरी करे मैं चलता हूँ मोटो ब्लॉग पे और आपको दिखाता हूँ ड्रैग रेस। ऑलराइट गाइज, आ चुका हूँ अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, और अब गियर्स वगैरह पहन लेते हैं। और देखो, फिर मैं बोल रहा हूँ यार, देखो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप कभी भी रेस वगैरह कर रहे हो ना, तो भाई सेफ्टी गियर्स पहन के करो, और एटलीस्ट जैकेट और हेलमेट तो डाल ही लेना। बाकी क्या है भाई, बाकी सब बढ़िया कार्तिक भाई की तरह। और अब क्या है कि ग्लव्स पहन लिए हैं, अब चलते हैं अपने ओला पे। मैं ओला चलाने वाला हूँ, अंकित जो चलाने वाला है वो RX 135 चलाने वाला है। तो अभी क्या है कि भाई तीन मोड इसके अंदर आते हैं, तो अभी तीनों मोड में टेस्ट करने वाले हैं RX 135 के साथ में। पहले मैं इको मोड में चलाऊंगा, फिर स्पोर्ट्स मोड में, और एक हाइपर मोड। इसमें तीन मोड आते हैं, तो तीनों मोड में टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए बैठते हैं स्कूटर पर, और अंकित बैठ चुका है। हाँ भाई, तो भाई अभी पता चला है कि 15% से जब इसकी बैटरी नीचे होती है तब ये इको मोड के अंदर आती है, वरना अभी क्या है नॉर्मल मोड के अंदर है। और अभी नॉर्मल मोड में देखने वाले हैं, और आप अंकित को देख सकते हो, वो अभी रेडी है। तो चलिए अब मैं चलाता हूँ। और ऑल दो देखो, ये सामने मेरे पैच आप देख रहे होंगे, इस पैच पर करने वाले हैं। ऑल दो 200 मीटर के आसपास का होगा, ज़्यादा का नहीं है, और उसी में हमको पोटेंशियल पता चल जाएगा कि कौन सी बाइक कितना पोटेंशियल रखती है। तो चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ पार्किंग मोड से। ऑल राइट, पार्किंग मोड से हट चुकी है, अंकित स्टार्ट कर रहा है, क्या बात है। तो मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई नॉर्मल मोड में है ये अभी, और कमेंट करके बताना अभी नॉर्मल मोड में कौन सी जीतने वाली है। ऑल दो ये फर्स्ट राउंड होने वाला है, तो हॉर्न तुम दो, नहीं है तो तीन हॉर्न दूंगा मैं, उसके बाद में करते हैं रोल आउट। नहीं 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 भाई, नॉर्मल मोड में तो क्या है, कहीं रहने वाले नहीं है ये, RX 135 ही निकलने वाली है। हाँ इतना है कि भाई हाइपर मोड में या स्पोर्ट्स मोड में इसको हरा देगी ये, जहाँ तक का मेरा ख्याल है। तो कोई बात नहीं भाई, देखो नॉर्मल मोड में तो नहीं है इसका मुकाबला कोई, तो अभी चलते हैं, अब इसको स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं, उसके बाद में टेस्ट करते हैं कि कौन सी जीतने वाली है। तो गाइज अभी आपने देखा होगा यार, ये नॉर्मल मोड में चला रहे थे अभी इसको हम ओला को, और फर्स्ट राउंड में क्या है कि अपनी RX 135 विनर हो चुकी है। क्योंकि देखो नॉर्मल मोड इसका बहुत ज़्यादा, मतलब एक बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा मिनिमल सा था। तो अभी क्या करने वाले हैं, अब इसको स्पोर्ट्स मोड में डालने वाले हैं, स्पोर्ट मोड में देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस देगी ये। और बाकी अब क्या करते हैं, स्पोर्ट्स मोड में डाल के लैप को स्टार्ट करते हैं।
तो गाइज अभी देखो ये नॉर्मल मोड में आप दिख रहा होगा सामने आपको लिखा हुआ, और अभी देखो क्या करता हूँ, ये देखो स्पोर्ट्स मोड में आ गया है। अब क्या करते हैं, स्पोर्ट मोड में ट्राई करते हैं कि देखते हैं कौन सा बाइक जीतेगी। तो देखते हैं कौन सी बाइक जीतेगी, तो चलिए अब इसको स्पोर्ट मोड में टेस्ट करते हैं भाई। हाँ अब आएगा मज़ा। बराबर का कंपटीशन है भाई, बराबर का कंपटीशन है। ओ भाई बराबर, बराबर की टक्कर है यार। भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ भाई, हाइपर मोड में ना डेफिनेटली ये जीतने वाला है, सही में ये जीतने वाला है भाई। क्या बात है, इंप्रेसिव। अभी देखना हाइपर मोड में देखना कैसे जाएगा ये निकलता हुआ। चलो तो गाइज अभी आपने देखा होगा भाई ना, ये स्पोर्ट्स मोड में क्या अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसने, बिल्कुल बराबर टक्कर दी है। और अभी इसका हाइपर मोड बचा हुआ है, हाइपर मोड पे डालेंगे, उसके बाद में देखेंगे भाई क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। तो आपको अब कमेंट करके बताना है कौन सी बाइक जीतने वाली है। तो चलिए अब इसको हाइपर मोड में डालते हैं, देन उसके बाद में एक और लैप ट्राई करेंगे। तो गाइज अब आने वाला है मज़ा, मैंने इसको हाइपर मोड में कर दिया है और अब अंकित हारने के लिए भाई तैयार रहे। तो भाई हाइपर मोड में डाल दिया है इसको, अब देखते हैं कौन सी बाइक जीतने वाली है। लो अंकित की तो पहले ही बंद हो रही है बाइक। देखना भाई देखना, अभी देखना आप। बराबर टक्कर है भाई, बराबर। यार देखा गाइस आपने अभी कि हाइपर मोड में क्या है, कैसा परफॉर्मेंस दिया इसने, बराबर की टक्कर थी। देखो जो अगर विनर की बात करी जाए तो भाई RX 135 विनर है क्लियरली, क्योंकि वो आगे थी। अभी आपने वीडियो में भी देखा होगा वो आगे थी। तो गाइस अभी आपने देखा होगा यार RX 135 भाई मतलब आगे थी, तो विनर तो उसको ही माना जाएगा। अब क्या करने वाले हैं भाई, अब करने वाले हैं रोलिंग, रोलिंग में देखने वाले हैं, और ये हाइपर मोड पे रहने वाला है, रोलिंग में देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस निकल के आता है। और तो देखो यार इससे स्कूटर से मेरे को ये उम्मीद तो नहीं थी यार कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा ये, और भाई ओला को हेड्स ऑफ है यार। तो अब चलते हैं रोलिंग करते हैं, इसको हाइपर मोड में डाल के रोलिंग करेंगे। तो इसको मैंने पार्किंग मोड से हटा दिया है, अब रुको नॉर्मल में है ये, स्पोर्ट्स हाइपर, हाइपर में डाल दिया, आप देख सकते हो हाइपर में आ गया। अभी रोलिंग करते हैं, पता है 20 की स्पीड पे, 20 की स्पीड पे करेंगे है ना। नहीं भाई रोलिंग में तो यही आ गया है, रोलिंग में तो यही आ गया भाई। तो गाइस अभी आपने देखा होगा कि क्या है कि जो RX 135 है वो रोलिंग के अंदर नहीं जीती है, जो नॉर्मल जो हमने ड्रैग करी है उसके अंदर ये जीत चुकी है। ओला क्या है कि भाई रोलिंग के अंदर जीत गया है, ऑब्वियस सी बात है जीतना भी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इनिशियल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं है यार टू स्ट्रोक का नहीं होता, बहुत अच्छा होता है टू स्ट्रोक का भी, लेकिन क्या है इसमें गियर शिफ्टिंग में टाइम लगता है और इलेक्ट्रिक में कोई गियर शिफ्टिंग नहीं होती ना, तो इस वजह से क्या है कि एडवांटेज ये ले जाता है। तो अब वीडियो को करते हैं एंड, अगर आपको वीडियो में जरा भी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, बाय बाय। सांस चल जाता है यार।